हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गिराब प्रकरण को लेकर भाजपा एससी मोर्चा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गिराब गांव में मेघावल समाज के शमशान घाट में मृत आत्माओं की समाधियों पर किए गए घिनौने कुकृत्य के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति मोर्चा बाड़मेर द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रमुख ललित बोथारा ने बताया कि ज्ञापन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आदुरा मेघावल ने जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच करने एवं दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण वढेरा ने बताया कि इस प्रकरण में कुछ समाज के कुछ लोग पर्दे के पीछे से नाबालिग लड़कों को आगे करके सामाजिक सद्भावना को खराब कर रहे हैं तथा पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में मेघावल समाज का सहयोग नहीं कर रहे। भाजपा जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा ने सामाजिक भावना एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले की कोई जाति एवं धर्म नहीं होता, इसलिए निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरमाराम मेघावल ने बताया कि सुनियोजित रूप से इस प्रकरण को अंजाम दिया है। मृत आत्माओं की समाधियों पर नमक, कचरा एवं पशुओं की हड्डियां डाली गई। दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाए। इस ज्ञापन के दौरान एडवोकेट रूप सिंह राठौड़, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू दास भील, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष राधा रामावत, किसान मोर्चा बाड़मेर के जिला अध्यक्ष रणवीर भादु, लक्ष्मण टाक, सुरेश गढ़वीर, नारायण राम सोनगरा, हिंदू सिंह तामलोर, रेखा दवे, एडवोकेट अनामिका, प्रोफेसर मेघाराम गढ़वीर, श्रवण कुमार चंदेल, जोगेंद्र सिंह चौहान, ईश्वर चंद नवल, उत्तम राम मेघावल, लाधु राम, लेखराज तनवर, राज जोगेश, दमेश गढ़वीर एवं गिराब के मेघावल समाज के लोग उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।